कैप्टन सफदर मरियम नवाज से जान छुड़ाना चाहते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन ने अंदर की खबर दे दी। सीनियर सहाफी चौधरी गुलाम हुसैन ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के दरमियान इख्तलाफात का खुलकर बता दिया। सीनियर सहाफी का कहना था कि मरियम नवाज के पास पहले सीनियर नायब सदर का ओहदा था और फिर जब अचानक मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया तो इसके एक या दो दिन बाद कैप्टन सफदर ने यूथ विंग की सदारत से इस्तीफा दे दिया। लंदन से एक बयान जारी होता है कि अब उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी कर दिया गया। उसके एक दो दिन बाद कैप्टन सफदर साहब का ऐलान हुआ कि वो यूथ विंग की पाकिस्तान की सदारत से मुस्ताफी हो। वो मरियम साहबा के तर्ज़े सियासत से नाला है और उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि कैप्टन सफदर किसी और से नाराज हो या ना हो, पर ये तय है कि मरियम साहिबा की तर्ज सियासत से जान छुड़ाना चाहते हैं। याद रहे कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपने एक बयान में कहा है कि मुस्तकबिल करीब में मरियम नवाज को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा। हमने वोट को इज्जत दो के नारे को बेइज्जत किया है। ये नारा उस दिन दफन हुआ जब बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया। कहां गया वोट को इज्जत दो का? वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। इस बयान के बाद खबर आई कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश करते हुए इन्हें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है।